नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर महेश गुप्ता। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूं। आज हम गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। लोग अक्सर पित्त की थैली का नाम आते ही पित्त के कैंसर या पित्त के स्टोन से होने वाली बीमारियों से घबरा जाते हैं। मैं इसी बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूँगा। गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली, लीवर के जस्ट नीचे एक छोटा सा ऑर्गन होता है। गॉल ब्लैडर का काम होता है पित्त को मेनली स्टोर करना। पित्त का बनना यानी बाइल का बनना लिवर के अंदर होता है। लिवर से बनकर पित्त गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, जहाँ पर यह स्टोर होता है। जब भी हम खाना खाते हैं और यह खाना हमारे इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतों में जब पहुँचता है, तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करके सिकुड़ के उस बाइल को जो गॉल ब्लैडर में रखा हुआ है आंतों तक पहुँचाता है, ताकि खाने को डाइजेस्ट किया जा सके और उसको उससे एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जा सके। अब गॉल ब्लैडर में क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं? गॉल ब्लैडर की सबसे कॉमन बीमारी है गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का बन जाना। गॉल ब्लैडर के जो स्टोन्स होते हैं, पित्त की थैली की जो पथरी जिसको हम बोलते हैं, यह दो तीन प्रकार की होती है। मेनली ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। दूसरा, ये ब्लैक पिगमेंट स्टोन्स भी हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं यूजली डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर हमारी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और कुछ चीज़ों की कमी होती है, तो यह कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट होकर गॉल ब्लैडर में स्टोन्स का रूप ले लेता है, और धीरे धीरे इन स्टोन्स की मात्रा बढ़ सकती है, इनका साइज बढ़ सकता है। कभी कभी यह स्टोन्स जो गॉल ब्लैडर का रास्ता होता है उसमें रुकावट पैदा कर सकते हैं। उस रुकावट की वजह से गॉल ब्लैडर में स्वेलिंग आ सकती है, दर्द हो सकता है, और कभी कभी बहुत रेयरली ये गॉल ब्लैडर फट भी सकता है, जिससे पस जो हमारे एब्डोमेन में यानी हमारे पेट में फैल सकता है। अगर यह स्टोन गॉल ब्लैडर से निकल कर पित्त की नलकी में अगर आ जाते हैं, तो यह जॉन्डिस कर सकते हैं, बहुत तेज दर्द भी कर सकते हैं। उस केसेस में बुखार आना, दर्द होना, पीलिया हो जाना जैसी समस्याएं होती है, और गॉल ब्लैडर स्टोन का ट्रीटमेंट बहुत अर्जेंट हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन से हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर स्टोन छोटे हैं तो हम उनको वेट कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत छोटे स्टोन्स को मेडिसिन से भी हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर स्टोन्स बड़े हैं या सूजन कर रहे हैं या हमारी नली को ब्लॉक कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक कर रहे हैं, तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स का ऑपरेशन का मतलब होता है गॉल ब्लैडर को निकाल देना। गॉल ब्लैडर निकालने के बाद फिर भ्रांतियाँ होती हैं लोगों में कि हमारे डाइजेशन नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो बाइल का स्टोरेज है, पित्त का स्टोरेज है, वह फिर गॉल ब्लैडर की नलकी में या ड्यूओडेनम में यानी छोटी आंत में होता है, और खाने के डाइजेशन में कोई परेशानी नहीं होती है। तो गॉल ब्लैडर की परेशानी से बचने के लिए हमें अच्छा खाना पीना रखना चाहिए, यानी कि फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियाँ आदि का ज़्यादा खानी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल यानी कि फैटी चीज़ें कम खानी चाहिए, और समय समय पर अपने गॉल ब्लैडर की जांच अल्ट्रासाउंड से करवानी चाहिए। अगर हम गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बात करें, तो हमें जानना चाहिए कि गॉल ब्लैडर स्टोन से यानी कि पित्त की थैली की पथरी से हमें क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। अक्सर हमने देखा है कि लोग बहुत चिंतित होते हैं, जिनको पथरी हो जाती है बहुत घबरा जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। गॉल ब्लैडर की पथरी यानी पित्त की थैली की पथरी 90-95% केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं करती है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जब ये परेशानी कर सकती है। परेशानी क्या क्या कर सकती है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा गॉल ब्लैडर का स्ट्रक्चर। गॉल ब्लैडर एक थैली की तरह होता है, जिसका एक माउथ होता है, एक ट्यूब की तरह उसकी डक्ट होती है। अगर गॉल ब्लैडर की पथरी उस डक्ट में जाकर फंस जाती है या आगे नलकी में जाके पित्त की नलकी में फंसती है, तब यह जॉन्डिस कर सकती है, बहुत तेज दर्द कर सकती है या इन्फेक्शन कर सकती है। ऐसे केसेस में उस पथरी को निकलवाना जरूरी होता है। कभी कभी हमने देखा है पित्त की थैली के मुहाने पर अगर पथरी बड़ी होने के कारण अगर फंस जाती है, तो पित्त जो गॉल ब्लैडर में है, जो लिवर से आके गॉल ब्लैडर में पित्त आया है, वह पित्त यानी बाइल गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं जा पाता है। उस पित्त में गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, और सारा पित्त एक पस में यानी कि मवाद में कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है, बुखार हो सकता है, दर्द हो सकता है। ऐसे केसेस में कभी कभी पित्त की थैली फट भी सकती है। तो ये कॉम्प्लिकेशन बहुत कम केसेस में होते हैं, जो कि लेस देन 5% यानी 5% से भी कम केसेस में ये कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो गॉल ब्लैडर की पथरी से, पित्त की थैली की पथरी से बहुत घबराना नहीं चाहिए, उसका समय से फॉलोअप करना चाहिए। कुछ मरीज जैसे जो हार्ट पेशेंट्स हैं या डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जिनको और कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको हम सलाह देते हैं कि समय पर पित्त की थैली का ऑपरेशन करवाएं, यानी कि पित्त की थैली निकलवा लें अगर उसमें पथरी आ गई है, उनका गॉल ब्लैडर काम नहीं कर रहा है। परंतु अगर कोई हेल्दी इंसान है, तो उसको पित्त की थैली की पथरी के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अपना खान पान अच्छा रखना चाहिए, ताकि और पथरी ना बने या जो छोटी छोटी पथरी है वो निकल कर पास आउट भी हो सकती है। जब भी हमें कभी अंदेशा हो या शक हो कि हमारे लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अपने डॉक्टर खुद ना बने, अपने डॉक्टर से सलाह करें, क्योंकि हम लोग आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि आपके लिवर में कोई इन्फेक्शन है या नहीं है,
उसका समाधान क्या है, आपको वैक्सीन की ज़रूरत है या नहीं है, आपको क्या खाना चाहिए, आपको क्या दवाई लेनी चाहिए, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर इसका ठीक तरीके से हम इलाज करवाते हैं, अपने डॉक्टर से सलाह करते हैं, इसको हम समय पर बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल आवश्यकता है जागरूक बनने की और अपने डॉक्टर से सही समय पर सही परामर्श लेने की।